सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर अपने आप में कला, संस्कृति, साहित्य को समेटे हुए है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के बाघ रूप रखने के कारण इस जगह का नाम बागेश्वर पड़ा। आइए जानते हैं बागेश्वर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण और बागेश्वर के इतिहास के से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथ में आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और इसके आसपास कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ आप आसानी से घूम सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध शहर या प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और मंदिरों की श्रृंखलाओं तथा भगवान शिव की नगरी के नाम से भी बागेश्वर को जाना जाता है। बागेश्वर में उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, जिसे उत्तरायणी मेले के नाम से जाना जाता है, जिसमें दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और व्यापारी भी इसके साथ साथ यहाँ पहुँचते हैं। बागेश्वर समुद्र तल से 104 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सीमाएं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली जिले से भी लगती है। यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, बागेश्वर और बागनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान शिव ने कैसे बाघ रूप अवतार लिया उसके बारे में पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पर मैं दे दूंगा। आप वहां से बागेश्वर जो बागनाथ मंदिर है उसके इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बागेश्वर के पूर्व में सरयू और गोमती नदी का संगम स्थित है तथा पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत स्थित है, उत्तर में सूर्यकुंड स्थित है तथा दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। अपने आप में एक प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान बनाती है। दोस्तों, अब जानते हैं हम बागेश्वर के इतिहास के बारे में। 7 से 13 ईस्वी तक यहाँ कत्यूर वंश के राजाओं का शासन रहा करता था। उसके बाद यहाँ चंद वंश राजाओं का शासन हुआ। 1602 ईस्वी में राजा लक्ष्मीचंद ने यहाँ स्थित बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, बागेश्वर 1997 में 1997 में जिला बना। उससे पहले यह अल्मोड़ा जिले में सम्मिलित था। बागेश्वर को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि की तपो के कारण ही भगवान शिव ने यहाँ बाघ रूप का अवतार लिया था। 14 जनवरी को हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड के सबसे बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे हम उत्तरायणी मेले के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में भी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दी हुई है, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ उत्तरायणी मेले में हजारों व्यापारी बाहर से पहुंचते हैं अलग अलग स्थानों से व्यापार करने, और उसके साथ साथ हजारों पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं उत्तरायणी मेले का आनंद लेने। अब हम दोस्तों जानते हैं बागेश्वर में कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहां आप घूम देख सकते हैं, जहां दर्शन कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से धार्मिक स्थल बागेश्वर में ही स्थित है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है, चंडिका मंदिर भी बागेश्वर में है, नीलेश्वर महादेव जो प्रसिद्ध मंदिर है बागेश्वर में वह भी बागेश्वर में स्थित है। साथ ही दोस्तों, बागेश्वर जिले की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बैजनाथ मंदिर के बारे में, जो कि 1000 साल पुराने शिव मंदिरों में भी गिना जाता है, जो कि गरुड़ में स्थित है। कोट भ्रामरी मंदिर यह कोट में स्थित है और माँ कालिका मंदिर यह कांडा में स्थित है। मैचुई मैया का मंदिर जोशी गांव में स्थित है। तो इन सभी प्रसिद्ध स्थानों पर भी आप घूम सकते हैं, इन सभी प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। यह सभी प्रसिद्ध स्थान ऐतिहासिक हैं जो कि बागेश्वर जिले में स्थित हैं। बागेश्वर में स्थित प्रमुख शहरों के बारे में, प्रमुख क्षेत्रों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। कौसानी, कपकोट, कांडा, गरुड़ यह प्रसिद्ध स्थान बागेश्वर में ही स्थित हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ से नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर यहाँ से 188 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत की राजधानी दिल्ली से यह 419 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में एक नया सेक्शन ऐड किया है जिसे ये भी जाने हैं, जिसका नाम ये भी जाने, ताकि जो मुख्य टॉपिक हैं जो हमारे एजुकेशन वाले हमारे स्टूडेंट हैं वह कैसे हमारी इन वीडियोस के जरिए उत्तराखंड के इतिहास को जान सकते हैं और जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर उनको मिल सकते हैं। ये भी जानें, बागेश्वर का पुराना नाम दानपुर था। दोस्तों, बागेश्वर में
बागेश्वर कपकोट गरुड़ कांडा दानपुर सामा व काफलीगैर तहसील स्थित हैं, जो कि कुल 7 तहसीलें स्थित हैं। बागेश्वर का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों, कुली बेगार प्रथा के जो रजिस्टर थे उनको सरयू की नदी में बहाकर यहीं से सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी बागेश्वर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आप किस प्रसिद्ध प्लेस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।